अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत सा नक्सी कंटा का हैंड एम्ब्रॉयडरी लेके आई हूँ। सो गाइस, इस डिज़ाइन को आप किसी भी कुशन कवर पे बना सकते हैं, पिलो कवर पे बना सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको बिस्तर पे भी बना सकते हैं, चादर पे भी बना सकते हैं। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑल ओवर डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आपको मैंने इसे लास्ट में फुल डिटेल वीडियो भी दिखाया है इस डिज़ाइन का। सो देखिए, मैं अभी आपको बनाना बता रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने अलग अलग कलर के धागे का और अलग अलग टाइप के धागे का यूज़ किया है। सो ये एंकर का पैरेट ग्रीन कलर का धागा है, इससे मैं ये जो लीफ है मैं इसको बनाऊँगी इससे। सो देखिए किस तरीके से बना रही हूँ। सबसे पहले हम स्टिचिंग करेंगे। मेरे पास फ्रेम स्टैंड नहीं है गाइस, मैं फ्रेम में लगा के ही कपड़े को बनाती हूँ, किसी स्टैंड में लगा के नहीं बनाती हूँ, इसलिए बार बार कपड़ा ढीला हो जाता है तो उसे खींचना पड़ता है। देखिए थोड़ा सा ढीला हो गया तो मैंने इसे खींच कर सही कर लिया। जिस कपड़े पे मैं बना रही हूँ इसे, वो कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट है इसलिए बार बार सरक जा रहा था वीडियो शूट करने में। सो देखिए कितने ही आसान तरीके से लीफ बना रही हूँ। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है गाइस, माइंड मत कीजिएगा, आवाज़ बहुत मुश्किलों से निकल रही है। सो देखिए किस तरीके से बनाती जा रही हूँ मैं। अब मैं सेकेंड तरफ कप फिल करूँगी। साटन स्टिचिंग है। इस वीडियो को शूट करने में बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि बार बार कपड़ा सरक जा रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई भी स्टैंड नहीं है। सो मैं हाथ में ही पकड़ के बनाती हूँ तो वीडियो शूट करने में थोड़ा सा मसला आता है। देखिए बनकर तैयार है। अब मैं यहाँ पे मेहंदी ग्रीन कलर का लत्ती का धागा यूज़ कर रही हूँ, पूरे 6 के 6 स्ट्रेंथ है। अब मैं बैक स्टिचिंग करूँगी यहाँ पे। देखिए इस लीफ को भी मैं बैक स्टिचिंग से बनाऊँगी। सो देखिए गाइस, इस लीफ को मैं इसी तरीके से बैक स्टिचिंग से बनाऊंगी। मैं आपको इस लीफ को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने का एक तरीका बताती हूँ। सो गाइस, जो ये नोक है ये अच्छी बने इसके लिए आपको नोक पे ही सुई को निकालना है। ये नहीं करना है कि आपको जस्ट बनाते जाना है एक फ्लो में, नहीं। नोक पे जो मेरा, जब मेरा नोक पे आएगा डिज़ाइन, तो नोक को इस तरीके से ही बनाना है जैसे मैंने बनाया। इससे आपका देखिए नोक कितना ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। सो हमेशा आपको नोक पे डिज़ाइन को ज़रूर इसी तरीके से ही बनाना है कि नोक पे सुई को निकालना है और फिर डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। देखिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, सो इसी तरीके से डिज़ाइन को बनाइएगा, आपका जो लीफ है और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सो गाइस देखिए, इसी तरीके से हम ये लीफ बनाते जाना है और आपका देखिएगा ये लीफ बहुत खूबसूरत बनेगा। जब मैंने भी स्टिचिंग स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं अच्छा आता था ये लीफ बनाना, पर धीरे धीरे। सो देखिए गाइस, मेरा लीफ बनकर तैयार है और इस तरीके से मैं बैक में गांठ लगा लूँगी और उसके बाद इस धागे को कट कर लूँगी। सेकेंड लाइन जो यहाँ की है, इसे भी मैं इसी धागे से बैक स्टिचिंग करके कम्प्लीट कर लूँगी। सो इसी तरीके से ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। मैं आपको बैक टू बैक पूरा डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ, सो कहीं भी आपसे गलती ना हो और कहीं भी आपको ये ना लगे कि ये कैसे बनेगा, क्योंकि हम कई बार वीडियो देखते हैं और फिर सोचते हैं ये कैसे बनेगा। सो ऐसा नहीं लगेगा इन वीडियो को देखकर, आपको पूरा डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। सो देखिए इस तरीके से मुझे ये बनाना है।
यहाँ भी मुझे बैक स्टिचिंग ही करना है। ये भी लत्ती का धागा है, पूरे 6 के 6 स्ट्रेंथ हैं। इसी तरीके से पूरा डिज़ाइन मैं बनाती जाऊँगी। देखिए कई बार धागा फंस जाता है, तो इस तरीके से खींच के इसे सही करके फिर बनाती जाना है। जो ये नोक है यहाँ भी हमें उसी तरीके से बनाना है। देखिए तभी हमारा नोक अच्छे से नज़र आता है। देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। सो इसी तरीके से बनाना है। बीच में भी इसी तरीके से बैक स्टिचिंग करके येलो कलर का मैंने लत्ती का धागा लिया है, उससे बना रही हूँ। अब देखिए गाइस इसको बनाना बता रही हूँ। ये जो हमारा छोटा सा कोड़ी है इस पर हमें साटिन स्टिचिंग करना है। ये पूरे ये 3 थ्रेड है, 3 धागे हैं, 6 धागे होते हैं, 6 स्ट्रेंथ में से हम 3 स्ट्रेंथ यूज़ कर रहे हैं। एक धागे में 6 स्ट्रेंथ होते हैं, उसमें से हम 3 स्ट्रेंथ यूज़ कर रहे हैं। लत्ती का धागा है, देखिए इस तरीके से साटन स्टिचिंग करूँगी। इसके जो बीच का पार्ट है गाइस वो मैंने आपको इस लॉन्ग वीडियो में बनाना नहीं बताया है, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बनाना बताऊंगी। सो इस डिज़ाइन का शॉर्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं उसमें आपको उस डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से ये हम बीच का बनाएंगे। बीच का जो पार्ट है वो शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बनाना बताऊँगी। सो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। देखिए अब मैं इसके बीच को इस तरीके से येलो कलर के धागे से फिल कर दूंगी। ये भी साटन स्टिचिंग करूंगी और ये भी 3 ही स्ट्रेंथ है गाइस। देखिए इसी तरीके से इस पूरे डिज़ाइन को बना के तैयार कर लूंगी। आई होप गाइस आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। सो गाइस जो बीच में मैंने ये डिज़ाइन बनाया है मैं शॉर्ट वीडियो में उसे शेयर करूँगी। सो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए पूरा डिज़ाइन बनने के बाद कितना ही खूबसूरत लग रहा है। आई होप आपको भी ज़रूर पसंद आया होगा, कितना ही खूबसूरत डिज़ाइन है। सो गाइस इस तरीके की और वीडियो देखते रहिएगा मेरे चैनल पर विज़िट करके। सो गाइस फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।